लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। अयोध्या पुलिस ने मां मीडिया हाउस के निदेशक राहुल मिश्रा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डिया नाम की चिट फंड कंपनी में फैजाबाद के कई लोगों के पैसे डबल करने के लिए लाखों रुपए निवेश करवाए थे। मां मीडिया हाउस पर थाना महराजगंज के रहने वाले भोलेंद्र प्रताप सिंह ने 37 लाख विजय लक्ष्मी राय ने 2.5 लाख रुपए जमा कराने और नौकरी देने का वादा करने और गढ़ी कनौरा निवासी मोहम्मद सकीर सिद्दीकी ने 4 लाख जमा कराने के उपरांत इसे हड़पने का आरोप लगाते हुए कोतवाली नगर में शिकायत की थी। वहीं लोगों का आरोप था कि कंपनी अपने शर्तों के अनुसार रुपए नहीं दे रही है। पुलिस ने मामले में 3 मुकदमे पंजीकृत किए थे और आरोपी राहुल मिश्रा की तलाश कर रही थी। मामले की जानकारी देते हुए सीओ सिटी अरविंद चौरसिया ने बताया कि निवेशकों को पैसा दोगुना करने का लालच देकर बड़ी संख्या में मां मीडिया हाउस की ओर से पैसा जमा कराया गया, लेकिन जब निवेशकों को पैसा वापस नहीं मिला तो उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की। मामले में आरोपी मां मीडिया हाउस के निदेशक राहुल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। कोतवाली नगर क्षेत्र में एक मां मीडिया कंपनी के नाम से जो है एक राहुल मिश्रा जो कंधारी बाजार के रहने वाले हैं, ये चिटफंड कंपनी चलाते थे। इन्होंने काफ़ी लोगों का पैसा जो है लिया है, जिसमें जो है ये हर महीने किस्त के रूप में देते थे। हम मूलधन का 2 गुना एक साल में करने की बात करते थे। इस तरह से काफ़ी परिवार के लोग यहाँ पे फैजाबाद के अयोध्या के सब लोग अपना निवेश किया और निवेशकों का फंड जो है इन्होंने एकदम फंसा दिया और फंसाने के बाद लगभग करोड़ों रुपये का घोटाला किया। तो इस तरह से इनके खिलाफ लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हमारे कोतवाली नगर में और उसके तहत विधिक कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।